पुनर विवाह। आरती ने यश जी को सच्चाई बताने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन क्या हम आरती के साथ सही कर रहे हैं? औरत की जिंदगी कोई खेल नहीं, मजाक नहीं। जब हमें जरूरत थी तो हमने आरती को कसम दिलाकर झूठ का सहारा लेकर यश जी के साथ उसका रिश्ता जोड़ दिया। अब जबकि हमें फिर से जरूरत है तो हम चाह रहे हैं कि आरती उसी रिश्ते की नींव को सच्चाई से हिलाकर हमारे प्रशांत की जान बचाए। क्या हम स्वार्थी नहीं हो रहे? जब बेटा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा हूं तो सच झूठ सही गलत कुछ मायने नहीं रखता शोभा। हमें चिंता करनी चाहिए सिर्फ प्रशांत की जिंदगी की। अगर उसे बचाने में हमसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो भगवान हमें माफ कर देंगे। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि वो यश जी और आरती के रिश्ते की मजबूत डोर को कभी ना टूटने दे और साथ ही साथ मेरे प्रशांत की जान भी बचा ले। बस अब वही हमें सही रास्ता दिखा सकता है। इतनी रात को कौन आ सकता है? शोभा माँ, यश जी, मुझे लगता है आरती ने यश जी को सच्चाई बता दी है। आपको कमजोर मत होने दो शोभा। अगर इस बार हम लोग हिम्मत हार गए तो हम लोग प्रशांत की जान कभी भी नहीं बचा पाएंगे। जो होता है हो जाने दो। दरवाजा खोलिए शोभा मां। यश जी, आप इतनी रात गए, सब ठीक तो है? आइए ना, अंदर आइए। जी नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। लेकिन क्यों? सब ठीक तो है ना यश जी? जी नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। आप दोनों को अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलना होगा। जी हम चलेंगे आपके साथ, पर एक बार बता तो दीजिए कि बात क्या है। क्या आरती ने आपको कुछ बताया? शोभा मां, बाबूजी, मैं आप दोनों से ही बहुत नाराज हूं। जो बात आप लोगों को मुझे बतानी चाहिए थी वही बात मुझे बाहर से पता चली है। सब जानते हुए भी आप लोगों ने मुझे बताना ठीक नहीं समझा। हाँ छोटे भैया,
मैंने पूरी फैमिली को इकट्ठा कर लिया। आप बस जल्दी से शोभा आंटी और अंकल को लेके आ जाइए। बाबूजी भी आपके बारे में बार बार पूछ रहे हैं। हाँ छोटे, दोनों मेरे साथ ही आ रहे हैं। बाबूजी से कहना कि हम लोग 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, बस तैयार रहना। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पापा, बड़ी मम्मी और बड़े पापा को भी साथ लेकर आए हैं। यश जी, पापा जी को साथ लेकर आए। चलो ना मामा। चल। अब जवाब दीजिए, बाऊजी को, भैया को, भाभी को, प्रतीक को, परिधि को, बुआ जी को, सबके सवाल आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जवाब दीजिए आरती जी, आपने हमसे यह बात छुपाई क्यों? आरती बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस दिन बड़े अधिकार के साथ तुमने मुझसे कहा था कि बाबूजी ये मेरा भी घर है, अगर आप मुझसे यहां से जाने के लिए कहेंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगी। घर वालों से कोई बात छुपाई नहीं जाती बहू, तुमने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों से क्यों छुपाई? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, और मैं आप सबसे भी माफी मांगती हूं। मैंने एक बार फिर से आप सबका विश्वास तोड़ दिया, लेकिन यश जी, मैं खुद भी आपको यह सच बताना चाहती थी। मैं सब कुछ बता देना चाहती थी आपको, कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। मैं तो यही रास्ता ढूंढ रही थी कि आपको सच कैसे बताऊं। थोड़ी देर पहले ही मैं शोभा माँ से भी यही फोन पे बात कर रही थी कि आपको सब कुछ बता दूंगी। शोभा माँ से शिकायत तो मुझे है ही, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बेटा, हम नहीं यश जी, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उनसे कुछ मत कहिए, सारी गलती मेरी है, मुझे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। बस आरती जी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब रोने से कुछ नहीं होगा आरती जी, अपनी
आके खुली। मैंने आपसे कहा अपनी आंखें खोलिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि हम दोनों का बर्थडे एक ही महीने में आता है। अब देर किस बात की आरती जी? ये लीजिए केक काटिए। आरती बहू, मेरे और गायत्री की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस बस, बहुत बहुत आशीर्वाद तुम्हें। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें जन्मदिन पर क्या तोहफा चाहिए? नहीं बाबूजी, आप बड़ों का प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं मांगना चाहती। आज तुम्हारा जन्मदिन है बहू, बड़ों की बात माननी चाहिए। बताओ, पूरे अधिकार से बताओ, क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी और पूरे अधिकार से मांगूंगी। ठीक है, ये सूरज प्रताप संध्या का वचन है तुम्हें। जब भी तुम कुछ मांगोगी तुम्हें निराश होकर नहीं लौटना पड़ेगा। सब लोगों के लिए केक काट के लाती हूँ। आरती, केक तो हम सब बाद में खा ही लेंगे, लेकिन अभी हम सब ये जानना चाहते हैं कि यश भैया मेरी प्यारी सी देवरानी के लिए तोहफे में क्या लाए। अरे बता भी दे मंजले, सिर्फ सरप्राइज पार्टी रखी है आरती के लिए, कुछ गिफ्ट विफ्ट भी लाया? हाँ Thank you.
सिर्फ फूल? देखो आरती, इन फूलों को ना तुम हाथ भी मत लगाना। ये क्या यश भैया, इतने सस्ते में तोहफा देकर निपटा देंगे क्या? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, अगर सच्चे मन से दो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। क्यों आरती जी? ये लीजिए। क्या बात है, सरप्राइज पे सरप्राइज। अब जब इतना खूबसूरत तोहफा आप ले ही आए हैं तो अपने हाथों से आरती को पहना भी दीजिए। मम्मा, हमने भी आपके लिए गिफ्ट लाया है, ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे आप लोगों का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। मामा, हमें भी पता है आप हम लोग को रिटर्न गिफ्ट में कोई अच्छी गिफ्ट देने वाली हो। वो क्या? मामा, मुझे छोटी सी बहन देने वाली है। ये क्या कह रहा है आज? गायत्री भाभी चाहती हैं कि इस बार सिंधिया परिवार में बेटा ही पैदा हो। मेरे भगवान की कसम, बेटा पैदा होगा तभी तो सिंधिया परिवार को वारिस मिलेगा और मेरे यश का वंश आगे बढ़ेगा। क्यों यश? जी नहीं बुआ जी, मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। बेटा हो या बेटी, उससे क्या फर्क पड़ता है? रही बात इस परिवार की वारिस की, तो ये अंश है ना, ये इस परिवार का वारिस है। और अगर बुआ जी बेटा हुआ भी, तब भी बड़ा भाई तो अंशी रहेगा। अंशी मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। क्यों बाबूजी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? आप बहुत महान है यश जी, आप अंश से इतना प्यार करते हैं।
और मैंने आपसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन आज मैं आपको वो सच बता कर रहूंगी कि मैं विधवा नहीं तलाकशुदा हूं।